श्रीलंका के खिलाफ चौथे वनडे में गुरुवार को भारतीय टीम लगातार चौथी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। भारत सीरीज में 3-0 से आगे है। कप्तान विराट कोहली का अगला लक्ष्य बेंच स्ट्रेंथ को मौका देना होगा, जिनमें कुलदीप यादव, मनीष पांडे, अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर शामिल हैं। इसके अलावा केएल राहुल और केदार जाधव पर दबाव होगा। कोहली भी लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। लगातार दो मैचों में खाता खोलने में नाकाम रहे केदार जाधव पर दबाव होगा। वो धनंजय की गेंदों को समझने में नाकाम रहे हैं। पहले मैच में वो गुगली पड़ चुके और दूसरे में स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद की लंबाई नहीं भाग सके। देखना होगा कि क्या टीम प्रबंधन जाधव की जगह पांडे को मौका देता है। कोहली संकेत दे चुके हैं कि वो खिलाड़ियों को रोटेट करना चाहते हैं और ऐसे में चाइनामैन कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अक्षर पटेल या युजवेंद्र चहल में से किसी एक को बाहर बैठना होगा। वहीं धोनी इस मैच के साथ एक मुकाम अपने नाम करने जा रहे हैं। धोनी का ये 300वां ओडीआई मैच होगा। धोनी चाहेंगे कि वो इस मैच को अपने लिए यादगार बना दें। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।